मैं आज आपके सामने पैरामीटर ऑफ लॉ के इस एपिसोड में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईपीसी एंड सीआरपीसी। आईपीसी का नाम भारतीय दंड संहिता या भारतीय दंड विधान या ताजी राते हिंद दफा उर्दू में जिसे कहा जाता है, 1860 का ये भारतीय कानून है जो क्रिमिनल लॉ अपराधों की परिभाषा और उसके दंडों, किस अपराध में कितना दंड है इसकी व्याख्या करता है। जबकि सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का एक कानून है जो कि प्रोसीजरल लॉ है, जबकि आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ है। आईपीसी के अंदर सभी अपराधों की परिभाषा और किस अपराध के लिए कितना दंड होगा इस बारे में व्यवस्था 1860 में लॉर्ड मैकाले, जो कि 1834 में विधि आयोग बना था, उनके द्वारा 1860 का ये कानून बनाया गया था जिसके वो अध्यक्ष थे। ये सबसे बड़ा दांडिक कानून है जिसमें 511 धाराएं हैं। इसमें सभी प्रकार के अपराधों जैसे दुष्प्रेरण, चोरी, उद्दापन, लूट, डकैती, रेप, सोडोमी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, इस तरह के आदि के अपराधों को परिभाषित किया है और उनके किस में कितना दंड होगा अलग अलग धाराओं में इस सब्सटेंटिव कानून में परिभाषित किया गया है। अब मैं आपको बतलाऊंगा कि प्रोसीजरल लॉ क्या है, जिसको प्रक्रिया विधि बोलते हैं। क्रिमिनल लॉ के लिए प्रोसीजरल लॉ सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है, जिसमें सारी व्यवस्था दी गई है कि व्यक्ति को वो प्रक्रिया बताई गई है, कैसे कब गिरफ्तार किया जाएगा, कब उसकी जमानत होगी, पुलिस के क्या कर्तव्य हैं, अधिवक्ता कब और किन हालात में रख सकता है, कब उसे उपस्थित होना होगा, जेल के क्या प्रोविजन होंगे, कब उसकी एंटीसिपेटरी बेल होगी, इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट क्या होंगे, कितना लिमिटेशन होगा क्रिमिनल में, ये सारी प्रक्रिया की जो व्यवस्था है वो धारा जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में 484 सेक्शंस दिए गए हैं, जिनमें पूरी प्रक्रिया आपराधिक प्रकरणों में किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी इस बारे में व्यवस्था दी गई है। यह एक प्रोसीजरल लॉ है, जबकि आईपीसी जो है वो एक सब्सटेंटिव लॉ है तथा सीआरपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है। इसी प्रकार जैसे सिविल प्रकरणों के लिए सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की व्यवस्था दी गई है, जिसमें सिविल मामलों के बारे में अपनाई जाने वाली पूरी प्रक्रिया वर्णित है। उसी तरह सीआरपीसी में दंड विधान या आपराधिक प्रकरणों में किस प्रकार की प्रक्रिया, कोर्ट ऑफ सेशन कहाँ होगा, कितने कोर्ट्स होंगे, किन मजिस्ट्रेट को, किन डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को क्या अधिकार होंगे, सारी प्रक्रिया की व्यवस्था प्रोसीजरल लॉ सीआरपीसी में दी गई है। अब मैं एक छोटे से उदाहरण के द्वारा आपको ये बतलाता हूँ कि जैसे धारा 379 एवं 380 भारतीय दंड विधान में चोरी बतलाई गई है। साधारण चोरी 379 है, जिसमें 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। जबकि किसी के घर में यदि कोई चोरी होती है तो उसमें 7 वर्ष तक के दंड का प्रावधान है। चोरी के बाद उद्दापन है, जिसको एक्सटॉर्शन बोलते हैं अंग्रेजी में। इसी तरह लूट, 4 व्यक्ति अगर हैं तो वो लूट, और 5 या उससे अधिक हैं तो वो डकैती में आती है। छोटी छोटी परिभाषाएं और इनमें दिए गए सारे दंड की व्यवस्था भारतीय दंड विधान या ताजी राते हिंद दफा इसमें परिभाषित और उसके अपराधों में दिया जाने वाला दंड परिभाषित है। जबकि प्रोसीजरल लॉ या सीआरपीसी में सारी व्यवस्था में अभियुक्त कब गिरफ्तार होगा, कब जमानत होगी, पुलिस की क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कब वो अधिवक्ता रख सकता है, इन सारे प्रावधानों की व्यवस्था प्रक्रियात्मक विधि में दी गई है। इस प्रकार सब्सटेंसिव लॉ आईपीसी डिफाइंस दी ऑफेंसेस एंड इट्स पनिशमेंट, जबकि सीआरपीसी डिफाइंस दी प्रोसीजर ऑफ लॉ इन क्रिमिनल केसेस।